राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन का महत्व। ये बिंदु द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष की लोक प्रशासन की दूसरी पाठ्य पुस्तक का या दूसरे पेपर का प्रथम बिंदु है जिसमें दे रखा है राज्य प्रशासन का महत्व। राज्य प्रशासन का महत्व से जानने से पहले अपन जानते हैं कि भारत है ना, भारत एक संघों का राज्य है। क्या है? भारत एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है जिस पर जिसमें केंद्र स्तर पर अलग प्रशासनिक संस्था है या अलग प्रशासन है और राज्य स्तर पर अलग प्रशासन है। केंद्र स्तर पर जो प्रशासन है उसका अलग महत्व है, राज्य स्तर पर जो प्रशासन है उसका अलग महत्व है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रशासनिक महत्व की बात करें तो राज्य स्तर पर प्रशासन का महत्व कुछ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशासन को लोकतांत्रिक दायित्व पूरे करने का दायित्व प्रशासन पे रहता है और ये प्रशासन जो धरातल पर जो क्रियान्वित किया जाता है उन प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जाता है। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो धरातल स्तर पर जो प्रशासन दिखाई देता है वो राज्य स्तर पर ही दिखाई देता है। तो राज्य स्तर पर जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो विशेष प्रयास किए जाते हैं इसी कारण राज्य प्रशासन का महत्व तो अपने आप में केंद्रीय प्रशासन से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ आप ध्यान देना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में दे रखा है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि केंद्र स्तर पर अलग सरकार होगी और राज्य स्तर पर अलग सरकार होगी। ये संघात्मक शासन की विशेषता है। तो भारत राज्यों का संघ है तो भारत में जो केंद्रीय स्तर पर ये प्रशासन अलग होगा और राज्य स्तर पर अलग अलग प्रशासनिक संस्थाएं होगी। ये बाहर वाला गोला है जो राज्य केंद्रीय प्रशासन है और अंदर जो छोटे छोटे गोले हैं ये राज्यों की स्थापना की गई है और इन राज्यों का अलग अलग प्रशासन स्थापित किया गया है। केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन चलाने का दायित्व जो होता है वो मुख्यतः राष्ट्रपति पर होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य स्तर पर प्रशासन संचालन करने का दायित्व होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायिका, कार्यपालिका और यहाँ की न्यायपालिका। तो ये जब भी प्रशासन की बात करते हैं ये चीज इसमें सम्मिलित होती है। तो अब हम प्रशासन के जो महत्व है इसको एक एक बिंदु को अपन ध्यान से समझेंगे। जो आपके सिलेबस में बिल्कुल बिंदु वाइज बताया गया है इन बिंदुओं के अकॉर्डिंग ही आपको इन पॉइंट को याद करके और अपने हिसाब से इसको आप वर्णन कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे पाठ्य पुस्तक का जो पहले बिंदु है काफी सरल है, इसे अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें दे रखा है विशाल भौगोलिक क्षेत्र में उपयोगी राज्य प्रशासन के महत्व में जो पहला बिंदु है उसमें दे रखा है कि जो राज्य प्रशासन होता है ना वो विशाल भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयोगी होता है। आप जानते हैं कि भारत है ना, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इतने बड़े भूभाग पर एक ही केंद्र स्तर पर प्रशासन संचालन करना बहुत ही कठिन है। और आप जानते हैं भारत विविधतापूर्ण में ये भौगोलिक क्षेत्र से भी अलग तरह का है। उत्तर में है हिमालय है, बर्फ है, पश्चिम में रेगिस्तानी प्रदेश है, पूर्व में पहाड़ी है, दक्षिण में पठार है। तो यहाँ की भौगोलिक विशेषता तो केंद्र स्तर पर जो प्रशासन का जो आवागमन है या संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है। तो अतः क्या ऐसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये आवश्यक है कि हर केंद्र स्तर पर अलग प्रशासन स्थापित किया जाए और हर राज्य को भी कुछ छूट देके अपने भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से राज्यों को गठन करके इन पर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग छोटे छोटे राज्य स्थापित किए जाए और उनके अंतर्गत एक प्रशासनिक संस्थाओं को अलग एक जाल बुना जाए जिससे क्या होगा केंद्र और राज्य में प्रशासन में आसानी से समन्वय होगा और सभी राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण होगा। पहला बिंदु समझ गए ना कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र में उपयोगी। अगर जो जिस देश में अगर भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा है तो वहाँ पर प्रशासन का राज्यों में बंटवारा मतलब देश का राज्यों में बंटवारा करना आवश्यक हो जाता है और ये उपयोग भी है। इसलिए 2001 में 3 राज्यों का गठन किया गया है और हाल ही में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तो ये क्या है कि ये छोटे छोटे राज्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का ही एक उदाहरण है। ब्रिटेन एक छोटा देश है तो वहाँ केंद्रीकृत प्रशासन है, वहाँ राज्यों का बंटवारा इतना दिखाई नहीं दिया जाता दिखाई देता है। जबकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ 50 राज्य हैं क्योंकि वहाँ भौगोलिक क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, भारत से भी बड़ा है। ठीक है, सेकेंड है सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। बिल्कुल सरल तो है, विविधताओं में एकता वाला संबंध है, विविधताओं में एकता वाला संबंध। भारत की जब आप बात करें तो भारत बहुत ही सांस्कृतिक विविधता वाला देश है।
अगर हम बात करें, बात की छोड़ो, आज अपने आप आसपास के क्षेत्र में देखो, यहाँ हर 10 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, त्यौहार मनाने की रिवाज बदल जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल विभिन्नता है। तो आप जानती हो कि भारत इतना बड़ा सांस्कृतिक प्रदेश में विभक्त है। अगर बात करें अपन, तो भारत में 22 तरह की भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान में बिल्कुल उत्तर और दक्षिण में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में काफी अंतर या विविधता दिखाई पड़ती है। तो ऐसे पूरे भूभाग को एक ही जगह से एक ही जैसी योजनाओं के द्वारा संचालित किया जाना संभव नहीं है, और एक जैसी योजना हर राज्य में भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं की जा सकती। तो अर्थात हमने क्या किया कि हर राज्यों को, देश को राज्यों में बंटवारा कर दिया, और हर राज्य को कहा कि आप अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक अनुकूलता के अनुसार प्रशासन की स्थापना की जाए, स्थापना करें, उनके अनुसार नीति बनाकर उनको क्रियान्वयन करें। तीसरा है लोकतंत्र की सार्थकता। लोकतंत्र की सार्थकता से तात्पर्य है कि लोकतंत्र का महत्व, सिंपल साधारण परिभाषा आप जानते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो इसमें आप यह ध्यान देना कि लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जो जो हम पर शासन करें वो लोग ही हम पे शासन करें जिनका चुनाव हम खुद करें, यानी कि हमसे जो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही हम पर शासन करें, यही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी, जब आप एक छोटे से गांव के निवासी को अगर आप अपना नेता चुनने का अगर हक दोगे तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। तो हमने क्या कर रखा है कि हर राज्य में अलग प्रशासन, राज्य को साथ साथ जिला स्तर पर अलग प्रशासन, जिला से अगर नीचे जाएं तो अपन स्थानीय स्वशासन जिसमें वार्डपंच सरपंच वगैरह चुनाव चुनाव होता है, इनका चुनाव क्या प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता है, और वहाँ जब इनके चुनाव किए जाते हैं तो वहाँ की जनता को भी यूँ लगता है कि हमें भी निर्णय निर्माण में भागीदारी का अवसर मिल रहा है। देखिए लोकतंत्र की स्थापना ही लोकतंत्र की स्थापना होती है, निर्णय निर्माण में या किसी का योजना का क्रियान्वयन करने में, सब में क्या होता है लोकतंत्र इसका साथ दिखाई देती है। वो भी कब दिखाई देगा, जब वहां पर निवासी हर लोगों को वोट देने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। और ये कभी होगा जब केंद्रीय स्तर पर, अगर प्रशासन की बात करें तो अगर केंद्रीय स्तर पर अगर एक ही जगह से प्रशासन होगा तो इतने बड़े क्षेत्र में हमें नहीं लगता कि किसी छोटे से गांव के निवासी को अपना वोट दे देने का अधिकार या चुनाव में भाग लेने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। अगर ये प्रशासनिक संस्था का अगर बिखरा होगा, विकेंद्रीकरण होगा, तो हर व्यक्ति इसमें भागीदारी या भाग ले सकता है। चौथा बिंदु है कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बता दिया कि राज्य प्रशासन का महत्व केंद्रीय प्रशासन से कुछ ज्यादा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि लोक कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। आप जानते हो संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य प्रशासन पे कुछ दायित्व दे रखे हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पुलिस, जेल, ये कुछ ऐसे विषय है जिन पर नीति बनाने का कार्य भी राज्य करती है, उनको क्रियान्वित भी राज्य करती है। तो ये क्या है कि राज्य के मूलभूत कार्य होते हैं। तो इन कार्य को करने का, ये कार्य ऐसे होते हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है, इसलिए इनको कल्याणकारी कार्य कहा जाता है। और इन कार्य को करने का मुख्य दायित्व राज्यों पर ही होता है, इसलिए राज्य प्रशासन क्या होता है, कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति में सहायक होता है। यानी कि राज्य प्रशासन का महत्व कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति में इसलिए सहायक है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं कार्य किए जाते हैं वो राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं और किए जाते हैं। केंद्र स्तर पर भी जो भी योजना बनाई जाती है वो भी राज्यों को ही इसको लागू करनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राज्य प्रशासन का कल्याणकारी कार्यों में कितना महत्व है। अगला है संघ के समानांतर कार्यकारी अभिगम। इसका तात्पर्य है कि जो संघ में जो केंद्र स्तर पर जो संरचना बनी हुई प्रशासन की, वहां से जो नीतियां बनती है उन नीतियों को वैसी वैसी संरचना राज्य स्तर पर बनाकर राज्य स्तर पर भी जो प्रशासनिक संस्था है उन नीतियों को लागू करती है। यानी कि केंद्र स्तर पर जो भी योजनाएं बनती है वो राज्यों में आती है और राज्य सरकार उनको लागू करने का कार्य करती है। तो जो अब ये इसका जो प्रशासनिक संस्था से सेम वैसी होती है जो केंद्र स्तर पर पाई जाती है। तो ये क्या संघ के समानांतर, यानी कि जो संघ के जो प्रशासनिक संस्था है वैसे वैसे राज्य स्तर पर स्थापित की गई है और इनको वही कार्य करने होते हैं जो केंद्र द्वारा इनको दिए जाते हैं। तो ये क्या संघ के एक समानांतर कार्यकारी यानी कार्य करने वाले अभिकरण के रूप में भी राज्य की उपयोगिता बढ़ जाती है। सातवां है जनसंपर्क का माध्यम।
जनसंपर्क का माध्यम से तात्पर्य है कि केंद्र स्तर पर जो भी योजना है, जो भी नीतियां लागू की जाती हैं, वो लोगों से संबंधित होती है। वो लोगों से जो जुड़ाव किनका होता है, राज्यों से, राज्य सरकार से। और राज्य सरकार से जो संस्थाएं होती हैं वो लोगों से जुड़ी होती हैं। वो जो वो अपनी योजना है, कोई भी नीति है, उनको वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को परिचित करवाती है। और वहाँ की कोई भी सूचना होती है, उनमें कोई भी परेशानी होती है, उनकी सूचना फीडबैक लेके केंद्र स्तर पर पहुँचाने का कार्य करती है। यानी कि राज्य एक केंद्र सरकार और जो एक गांव में निवास करने वाला आम नागरिक है, उनके बीच में एक संचार का कार्य करती है, मीडिएटर का कार्य करती है। इसलिए क्या कहलाता है, ये राज्य का महत्व क्या है, जनसंपर्क का माध्यम। ठीक है, तो आठवीं विशेष आप एक लिख सकते हो कि भी लोक सेवाओं में भागीदारी जो होती है वो राज्य सरकार में लोगों की ज़्यादा होती है, या इनको ज़्यादा रोजगार पाने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इससे राज्य प्रशासन का महत्व अलग ही, रोजगार दिलाने के हिसाब से अलग ही महत्व बढ़ जाता है। बहुत से राज्यों में आप बहुत सी वैकेंसीज वगैरह आप जानते हो कि भी स्थानीय लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इन सब बिंदुओं से ये राज्य प्रशासन का महत्व अलग से दिखाई देता है। बिल्कुल सरल, इन बिंदुओं को एक बार आप याद करके, याद देख के, फिर आप नोटबुक में, मतलब इसको अपने मन से भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है सर, आज का टॉपिक, आज हम इस टॉपिक के अंत में, अपन हर टॉपिक के अंत में कुछ जीके के एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसका आप है ना अपनी कॉपी में उतार के एक डेली प्रैक्टिस के हिसाब से आप ये वर्णन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की कुल सीटें कितनी है। लोकसभा 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200। राजस्थान की लोकसभा में कुल सीटें हैं 25, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 200। लोकसभा में और राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, और विधानसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। ये आप ये आंकड़े अपन ये थोड़ा कॉपी में कहीं लिख लें और इसे हमेशा देखते रहे, ताकि आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको सुविधा हो। थैंक्स।